के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद श्रीमान प्रभात झा जी, अभी हमने जिन सबने जिनको सुना, ऐसे माननीय सिन्हा साहब, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्रीमान हितानंद जी, मेरे साथी विधायक श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, मेरे मित्र दिलीप सूर्यवंशी जी और ब्रिजेश लूनावत स्मृति ट्रस्ट की सचिव और ब्रिजेश लूनावत जी की धर्मपत्नी बहन जी यहां इस हॉल में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, कहते हैं व्यक्ति से बड़ा उसका व्यक्तित्व होता है और किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कृतित्व से बनता है और शायद इसीलिए हम यहां ब्रिजेश लूनावत जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। यहां मैं देख रहा हूं बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके साथ स्कूल में पढ़े, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके साथ कॉलेज में या पॉलिटेक्निक में शिक्षा ग्रहण की है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा में उनके साथ काम किया, तालुकदीप सहमति जता रहे, ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी में जब वो काम करते थे चुनाव प्रबंधन का और अन्य कार्य करते थे तो उन कार्यक्रमों में और सभी अभियानों में उनके साथ सहयोग करते थे। मेरा पिछले 3 दशकों से ब्रिजेश लूनावत जी से मित्रता है। मैंने देखा कैसे वो हर व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा छोटा हो बड़ा हो हमेशा तैयार रहते थे। मैंने कोविड काल में ब्रिजेश जी को और उनकी पूरी टीम को देखा किस तरीके से जगह जगह जाकर वो राशन वितरित करते थे, पका हुआ खाना देते थे लोगों के लिए जिसकी भी डिमांड आ जाती थी। और निश्चित तौर से उस समय जो बाहर से भी लोग आते थे ऐसे लोगों की वो मदद भी करते थे। हम सबकी बहुत सी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं ब्रिजेश जी से, निष्ठाएं हैं और बहुत ढेर सारा प्यार है। भले ही ब्रिजेश जी इस दुनिया में ना रहे पर तो हम सब ने मिलकर सोचा कि उनकी स्मृति को हमें एक रचना की धारा दें, यादों को सेवा का स्वरूप दें, जैसा आदरणीय आपने अभी जिक्र किया सिन्हा साहब, उनकी अच्छाइयों को और आगे बढ़ाएं। इसलिए ब्रिजेश लूनावत स्मृति फाउंडेशन परिजनों और उनसे जुड़े लोगों ने मिलकर बनाया है। इसमें लूनावत परिवार के सदस्य हैं, आदरणीय श्रीमती लूनावत सचिव हैं उसकी, और हम सब लोग जो उनके परिवार के और उनके निकट रहे हैं हम सब उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं। आपने फोटो गैलरी देखी होगी कि हर 5 वर्ष को 5 माह को 5 तारीख को हर माह में कोई ना कोई सेवा का कार्य किया गया है, उस फोटो गैलरी में पूरा है। 11 कार्य इस तरह के से हो चुके हैं और इसका लेखा जोखा आपने जब देख लिया। अब हम चाहते हैं कि समाज के छोटे छोटे प्रयासों से सेवा सहयोग और समर्पण की भावनाओं को समाज में स्थापित करते हुए अपना योगदान देने के लिए पक्की योजनाओं के लिए फाउंडेशन बनाया गया, इसको आगे बढ़ाना है। हम सबकी शुभेच्छाओं और आपके प्रयासों के बिना कार्यों की सफलता अधूरी रहेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सेवा के कुंड में अपनी आहुति दें, आप धन से सहयोग करें, आप तन से करें या जिस माध्यम से भी अपना सहयोग करना चाहें, मैं आपसे उसकी अपेक्षा लगातार करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।
बाहर हैं तुम्हारी यादें और ख्वाब तुम्हारे, न कोई पतझड़ न कोई बसंत इनका, हमेशा एक तरीका मुस्कुराता चेहरा विजेश का, मुस्कान को बुलाता हूं। आदरणीय कैलाश साहू जी, गुरु जी, प्रभात साहू जी एवं मंच पे पधारे सभी अतिथिगण को मेरा प्रणाम। उपस्थित परिवारजन व प्यारे मित्रों, अब मैं ले चलती हूँ आपको एक यात्रा पर। हाँ जी, एक बुलेट ट्रेन यात्रा। बुलेट ट्रेन इसलिए क्योंकि 55 साल के जिंदा दिली सफर को 10 मिनट में पूरा करना है। तो लीजिए, आपका टिकट बुक हो गया है और चालू हो रही है ये प्रिय विजेश स्मृति शेष की बुलेट ट्रेन। आशा है आप सभी तैयार हैं इस सफर में हमारे हम सफर बनने के लिए। यात्रा अच्छी लगे तो तालियों से अभिनंदन जरूर कीजिएगा। हमारे पापा हम सबके अज्जू, घर में सबसे छोटे पर कर्म में सबसे बड़े, चेहरे पर रहा तेज थे यारों के यार, लाडले थे यारों के यार, मौला थे लाडले, जिया आपने अंदाज में और रहे विजेता। आप सचमुच है हमारे लिए आदर्श पिता। कैसी हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, बचपन का यार अज्जू, हमारे जीवन और परिवार पर एक पेड़ की छाया था। आज उसका साथ न होने पर भी हर समय उसका साया साथ है। उसका साथ दोस्ती का नहीं दिल का था। समय जिंदगी का कम होता है कहाँ पता था, विदाई आपकी अनपेक्षित होगी कहाँ पता था, हर जगह खुशबू फैला कर चले गए था, यादें दिल में रह गई शेष हो गया कहाँ पता था। थोड़े बड़े हुए आप और आनंद विहार के मित्रों का साथ मिला, आपके व्यक्तित्व का पुष्प उस जगह से और निरंतर खिला। दोस्तों का मिला साथ जो आपके जीवन की कुंजी रहा, दोस्तों हेतु आपका व्यक्तित्व सफलता की कुंजी रहा। वो कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, उसी तरह आपसे मिले सीख के फूल खिल जाते हैं। मेरे दोस्त, मैंने तुझसे सीखा रिश्ते बनाना, रिश्ते निभाना, दूर रहकर भी अपनापन बनाना, हर मुलाकात को महफिल बनाना, हंसना, खेलना, जीतना, हराना, हारते दोस्त को एक्स्ट्रा इनिंग्स दिलाना, गिल्ली डंडा, तौलिया, हॉकी, क्रिकेट, चोर सिपाही, अंताक्षरी या पतंग उड़ाना, बहाने बनाना, किससे सुनाना, बातों ही बातों में सही रास्ता दिखाना। मेरे दोस्त अंजू जीश, तुझसे सीखा यार रिश्ते बनाना, रिश्ते निभाना। एक लीडर की होती है खासियत सबको साथ लेकर चलना। आपने सिखाया कि कैसे इस साथ की पूज्य माला बनना। समाज और धर्म में आपका जुड़ाव अतुलनीय रहा, इसीलिए तो सभी ने आपको सम्मान से विजेश भैया कहा। आज से एक वर्ष पूर्व लुणावत परिवार ने अपने सुपुत्र को खोया, समाज ने अपने कर्मठ समाज सेवक को खोया, और देश ने अपने एक देशभक्त को खोया,
और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक विश्वसनीय कार्यकर्ता को खोया। ऐसा कैसा उन्होंने अपना व्यक्तित्व बनाया था, जो परिवार के लिए भी सब कुछ था, जो समाज के लिए भी सब कुछ था, जो पार्टी के लिए भी सब कुछ था और जो देश के लिए भी सदैव तत्पर रहता था। उन्होंने अपना जीवन संपूर्णतः मानव सेवा के, समाज उत्थान के लिए लगा दिया। खुद के शरीर की, खुद के स्वास्थ्य की कभी चिंता ना करी, सिर्फ एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य कि मुझे भारत के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति को सहायता पहुंचाना है, मेरे प्रदेश में रहने वाले हर एक नागरिक को सहायता और मदद के रूप में बनना, वो मदद का पर्याय यानी कि विजेश लुणावत। और आज वो एक साल होने को आया, आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पे हम सब लोग सम्मिलित हुए और हमें आज वो संकल्प करना है कि विजेश जी ने जो मानव सेवा की मिसाल लगाई थी, उस मशाल को लेकर करके हमको इस पूरे हिंदुस्तान को जगमगाना है। इस संकल्प के साथ हमें उनको श्रद्धांजलि अर्पण करना है। चावली नदी महोत्सव या किसान महापंचायत की व्यू रचना, सभी मामलों में सबने सीखा आपसे, सफल प्रयास की संरचना, सभी को साथ लेकर चलना आपकी एक यह कला थी, जिसमें निहित इच्छा सभी का कल्याण और भला थी। सबसे आत्मीय रिश्ते थे और सभी के हित का ध्यान रखा, इसीलिए तो आपने हमारे लिए एक आदर्श जीवन रचा। संगठन के ध्वज को आपने अपने कंधों पर तान दिया, संगठन के आदर्शों सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया। वो चकल्लसी रंग पंचमी यार दोस्त आगे भी मनाएंगे। विजेश की इस जिंदा दिली को हम आगे भी बढ़ाएंगे। रक्तदान के महाअभियान में आपने न कोई कमी आने दी। जेवाईसी और कोलार हिंदू समिति के प्रयासों को आपने पहचान दी। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के साथ आपने सफल काम किए। मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को आपने नित नए आयाम दिए। विजेश के जीवन को देखकर हम यही कह सकते हैं, ढेर सारी निश्चल हंसी, एक बड़ा सा परिवार और यार दोस्तों का साथ जिंदगी को बना सकता है कैसे आसान। सेवा, सहयोग, समर्पण का सूत्र थामे हम आज करते हैं विजेश लुणावत फाउंडेशन का लोकार्पण।